subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट। आज हमने दावत दी है जनाब मुबशर मीर साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कराची एडिटर क्लब के सदर भी हैं और एक अखबार के एडिटर भी हैं। ही इज़ वेयरिंग मैनी कैप्स। तो हमने आज रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया है। तो मुबशर मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने याद किया। जैसे कि आप गिल में हैं, पिछले 5-6 माह से सारी दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो फैली हुई थी, और जिसकी वजह से सारी मैशत जो है दुनिया की तबाह बर्बाद होकर रह गई। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 2,60,000 के करीब केसेस हैं एक्टिव, जिसमें से 1,83,737 जो हैं वो रिकवर हो गए हैं और 5,475 डेथ्स हैं। जो अगर आज की फिगर लें तो 2,085 जो हैं वो केसेस नए दाखिल हुए हैं और 49 डेथ्स हुई हैं। जो रिकवरी रेट है वो 97% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ने तदाबीर इख्तियार की थी, जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, उसके नतायज जो हैं वो बड़े पॉजिटिव और अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ग्राफ था कोरोना वायरस का वो बतदरीज नीचे जा रहा है। हुकूमत भी खुश है, अवाम भी खुश है, लेकिन एक तरफ तो ग्राफ नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पंजाब ने भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और सिंध ने भी जो है वो 15 अगस्त तक लॉकडाउन, इन्होंने 1 महीने का बढ़ाया है उन्होंने, चूँकि दोनों आपस में आपको पता है ना, पंजाबी जी कहते हैं ईंट पत्थर दा वैर है, तो ये उन्होंने 15 दिन का किया है तो इन्होंने 1 महीने का किया। इस पर भी आपसे बात होगी। और दूसरा ये जो आपने देखा होगा कि ईरान ने चाबहार में जो मंसूबा था उससे भारत को अलग कर दिया है, उन्होंने जायदान तक रेलवे लाइन बिछानी थी और ये मंसूबा 2016 में उनका एग्रीमेंट हुआ था। अब ईरान और चीन का करीब आना बहुत अच्छा है। अब उन्होंने चीन के साथ 25 साल का ईरान ने माहदा किया है। ये एक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आप चूंकि ईरान के हवाले से काफ़ी कवरेज करते रहते हैं तो इस पर भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। क्वेटा में आपने देखा होगा अभी हाल ही में परसों सिक्योरिटी फोर्सेज पर फिर एक हमला हुआ है जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और 8 जख्मी हो गए, और ये मुसलसल अमल जा रहा है। और इसी तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो दूसरी दफ़ा उसको काउंसलर को एक्सेस दिया और वो बड़े नखरे वखरे करके वो वापस चले गए हैं कि जी शीशा हटाओ, तो माइक हटाओ, तो वीडियो नहीं करो, तो ये ना करो, वो ना करो। एक तरफ हमारे यहाँ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से वही जैसे अटूट अंग है, मैं ना मानू वाली जो है रविश जो है वो बरकरार है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने देखा होगा कि पूरे कराची में इस वक्त एक बड़ा अजाब है, लोग बड़े सख्त परेशान हैं। 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, अब पंखा भी नहीं चल रहा, ऊपर से फिर गर्मी भी है और UPS भी काम नहीं करते, स्टैंड बाई जनरेटर भी बंद हो जाते हैं। और इसके ऊपर जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है और जो टैरिफ बढ़ाना था उसको टेम्पररीली मौखर कर दिया है। अब GIT देखा आपने उज़ैर बलोच के हवाले से, 2-3 GIT सामने आई हैं, उस पर भी बात होगी। और मुस्लिम लीग नून ने जो उनके साबिक स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनका ये कहना है कि इन हाउस हम तब्दीली नहीं लाएँगे। दोपहर के आसमान से तब्दीली रूनुमा होगी, हमेशा तब्दीली तो इन हाउस से होती है डेमोक्रेट के रूप में। इन तमाम पे आपसे गुफ्तगू होगी। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है
कोरोना वायरस के हवाले से कि अभी तक आपने देखा होगा कि सिंध और सेंटर के दरमियान जो इख्तलाफात शुरू हुए थे वो अभी तक बरकरार हैं, बल्कि उनमें तेज़ी आती है। उधर से दो तीन मिनिस्टर बयान देते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और इधर से आपने देखा होगा कि जो स्पोक्स पर्सन हैं सिंध हुकूमत के वो जवाब दर जवाब शुरू हो जाता है। अभी ईद उल अज़हा आने वाली है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ने इकदाम किए हैं और जो ग्राफ नीचे आया है, और चूंकि जब ये जब शॉपिंग होगी दो चार दिन के बाद शुरू हो जाएगी मवेशी मंडी लोगों का जाना, तो आप नहीं समझते कि ये जो हुकूमत इकदाम हैं इनको धचका लगेगा? क्या कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे या अंडर कंट्रोल रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किया है इस प्रोग्राम को, काफी चीजें आप इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के हवाले से जो सिंध और वफाक के दरमियान आपने एक रिफ्ट का जिक्र किया है, जो हम पिछले चार पांच माह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बेसिकली रिफ्ट जो है वो वफाक और सूबे के दरमियान नहीं है, बेसिकली दो पार्टियों के दरमियान है। लेकिन चूंकि वो दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने एंड की बजाय जहां मोर्चा बंदी उन्होंने अपने अपनी हुकूमतों में बैठ के की हुई है, जो उनके पार्टी में एक हर पार्टी का एक अपना नजरिया होता है पॉलिटिक्स करने का, एक तरीका कार होता है, लेकिन एक के पास हुकूमत जो है वो सूबे में, एक के पास मरकज में है, तो वो उस मोर्चे में बैठ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। एक जो मुल्क का जो एक सिस्टम है, जो एक हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है, इस रियासत का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बैठ के पार्टियों को अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये तो उनके पास एक मैंडेट है एक अरसे के लिए उसके इंतजाम को चलाने का, हुकूमत करने का। अब उनके जो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिशें और वो एक माहौल क्रिएट करना टेंशन का और अपने अपने कार्ड्स खेलने, ये मेरे ख्याल है कि एक गलत जो है ना वो प्रैक्टिस हो रही है, जो किसी सूरत भी जो है अवाम के फायदे में नहीं है। जब हुकूमत किसी के पास है तो इसका मतलब है उसे पब्लिक को सामने रख के काम करना है, उसे अपने पार्टी जो है उसकी बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो लिहाजा ये तो एक पॉलिटिक्स की एक वो शेप या वो किस्म जो है हमें नजर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो घनौनी है। हमें याद है पाकिस्तान के अंदर 1988 से 90 तक दो सूबे ऐसे थे, उसमें पंजाब था और बलूचिस्तान, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में थी, हुकूमत में सिंध में भी थी, उधर सरहद था उस वक्त, तो उस वक्त भी उस वक्त वो उसका हिस्सा थी हुकूमत का। लेकिन पंजाब के अंदर उसकी मुखालफत मरकज के साथ होती थी, सूबे की लड़ाई वफाक के साथ कराई गई। और इसी तरह अकबर बुगती साहब मरहूम थे तो वो भी एक डिफरेंट स्टांस लेते थे वफाक के खिलाफ। तो लिहाजा पाकिस्तान की ये जो सियासत में इमेच्योरिटी है इतने सीनियर पॉलिटिशियंस के होते हुए वो हमें नजर आती है। बाकी कोरोना की जो बात है उसमें ये बात बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उसमें एक बहुत ही डिक्रीज आना शुरू हो चुका है, अच्छे खासे जो है नंबर्स जो है वो नीचे चले गए हैं, रिकवरी की रेशियो जो है वो बढ़ गई है, और लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं खासतौर पे इकोनॉमी पे, सोशल लाइफ पे, और लोगों के जो एक नुकसानात होने के बाद जो बेरोजगारी का एलिमेंट हम देख रहे हैं वो बढ़ रहा है, वो बहुत सीवियर है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही कि स्मार्ट लॉकडाउन ने काफी जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले किया है, और ईद जो आ रही है यकीनन इसके अंदर भी बड़े थ्रेट्स हैं, मवेशी मंडियों का भी थ्रेट्स है, वो उसमें गवर्नमेंट कुछ एसओपीज जो बनाए हैं जो सामने अभी तक बातें आई हैं कि वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो कर सकते हैं खरीदारी, रात के औकात में खरीदारी ना करें, जो कि मंडियों में हमने देखा है कराची का तो यही कल्चर रहा है कि रात के वक्त लोग मंडी में जाते हैं, फिर उनके साथ विसैब भी होते हैं, पैसे भी लूटे जाते हैं, जानवर भी छीन लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक अच्छा होगा कि लोग मगरिब से पहले तक खरीदारी करें और शाम होने से पहले वापस आ जाएं, और मंडियों के अंदर जो एसओपीज हैं वो वैसे तो
माजी में भी हमने देखे हैं, वहां पे इंतजामात कोई आइडियल नहीं होते, वहां पे बड़ी गंदगी भी होती है, लाइट्स का प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज भी कई प्रॉब्लम होती हैं वहां पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नजर नहीं आएगी कि बहुत बड़े अच्छे इंतजामात हो जाएंगे। हाँ, इस वक्त जो है वो सिर्फ इतना हो सकेगा कि मेरा ख्याल है कि जो मास्क का इस्तेमाल है वो लोग मस्ट कर लेंगे, जो कि इस वक्त भी काफी लोग कर भी रहे हैं, कुछ रिलैक्स भी है इसमें, मीर साहब लेकिन बहरहाल एक फियर मौजूद है। मीर साहब मैं आपसे थोड़ा छोटा सा सवाल करूंगा। आपने देखा होगा हुकूमत ने SOPs बनाई हुई थी कि जब भी लोग बाहर जाएंगे वो मास्क पहन के जाएंगे, मार्केट्स में, बाजारों में, दुकानों में, जहां पर भी जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हार्डली 1% जो हैं, 1% जो हैं वो मास्क पहन के बाहर जाते हैं। तो SOPs तो हमारे यहाँ बनती रहेंगी और भी आती रहेंगी, लेकिन अगर उनके ऊपर अमल ही नहीं होना, और फिर इस तरह से जब क्राउड इकट्ठा होगा मवेशी मंडियों में, तो आप नहीं समझते कि या तो एक ऐसा सख्त चेकिंग का निज़ाम कायम करें बाहर एंट्री पॉइंट के ऊपर, एक ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए जहाँ से जब तक के लोगों ने मास्क ना पहना हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना किया हो, उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मेरा ख्याल है कि वो बात आपकी दुरुस्त है कि SOPs जो हैं वो वायलेट होती हैं, और पहले तो बहुत सख्ती थी कुछ स्टोर्स के अंदर, अब उसको उन्होंने रिलैक्स कर दिया है, तो उसकी वजह से फर्क तो पड़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि मंडी में जानवर खरीदने का एक कल्चर ये है कि वो उसको एक एक्टिविटी और एक एंटरटेनमेंट के तौर पर भी लेते हैं, पूरी फैमिली खरीदारी के लिए चली जाती है, और लोग जो हैं बच्चे बड़े खास तौर पे दिलचस्पी लेते हैं जानवरों के, जो पूरा एक माहौल बना होता है, तो उनके लिए एक वो एक्टिविटी ऐसी होती है कि फेस्टिविटी वाला एलिमेंट हो जाता है, तो उसको अगर वो करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज और भी चूंकि इस कोविड में हमारे सामने आई कि ऑनलाइन शॉपिंग जैसे बढ़ी है, तो ऑनलाइन कुर्बानी के जानवर खरीदने और पूरा उसका सेटअप जो है जिन्होंने लगाया है कि वो बकायदा गोश्त करके लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे, तो वो ऑनलाइन भी एक शेयर जो है मार्केट का वो लेगा सिस्टम, तो लिहाजा एक तवक्को की जा सकती है कि अगर 25-30% भी लोग जो हैं वो ऑनलाइन फैसिलिटी में जाते हैं कुर्बानी के जानवरों के खरीदारी के हवाले से, तो कुछ ना कुछ कमी तो आएगी, और लोग जो मेरा ख्याल है सीनियर पर्सन जी, है वो बहुत ज्यादा अगर नहीं अभी जा पाएंगे इससे ज्यादा मैं अच्छा होगा। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। अभी एक वक्त हुआ है, छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे और फिर हम आपसे मजीद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सो लेट्स हैव ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बशर मीर साहब से बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, और वो जो अभी मुआशी मंडी लगनी है उसके हवाले से, और गवर्नमेंट जो इकदाम ले रही है उसके हवाले से बात हुई थी। उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। अन साहब, मैं जैसे कि पहले आपसे कहा था कि भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे थ्रू इट्स रॉ एजेंट्स, और उसने ख़ास एक सर्विंग ऑफिसर को भी पाकिस्तान भेजा था, कुलभूषण यादव को, और आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में भी उसके लोग कुछ पकड़े गए, तो उसकी बड़ी कुर्बत थी अफ़गानिस्तान के साथ, और ईरान के साथ भी बड़ी उसने पींगे बढ़ाई, और अल्टीमेट दी वो कामयाब हुआ एक एग्रीमेंट करने में, जायदान तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 2016 में उसने एग्रीमेंट किया। लेकिन अभी 2016 से लेकर 2020 तक आपने देखा कि कोई पेशरफ नहीं हुई, और वो किसी न किसी बहाने से इस एग्रीमेंट को वायलेट करता रहा और टालता रहा। तंग आके ईरान ने भारत को इस मंसूबे से अलग करके और चीन को अपना पार्टनर बना लिया है, और चीन के साथ अब 25 साल का उन्होंने माहदा किया है। ये एक लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक तो ये कि ईरान और चीन का करीब आना, पाकिस्तान और चीन के बेहतरीन ताल्लुकात, और पाकिस्तान और ईरान के उतने मिसाली ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन होपफुली अब चूंकि चीन भी आ गया है बीच में, तो मेरा ख्याल है जो हमारे
या चीन के जो तहफ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाएंगे। एक टीम जो बन गई है ये यकीनन इस खित्ते के लिए बहुत अच्छी मिसाल है और इससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा पहुंचेगा। आप चूंकि ईरान और अफगानिस्तान के हवाले से काफ़ी कवरेज करते रहे हैं, तो आप इस एग्रीमेंट को, ईरान और चीन के एग्रीमेंट को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो इस खित्ते में एक नई डेवलपमेंट कुछ अरसे से हम देख रहे थे, उसमें जो नया अलायंस है लेड बाय चाइना सपोर्टेड बाय और बैक्ड बाय रशिया, जिसको मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जो है वो फ्यूचर में देखा जा रहा है कि ये एक यूएस का और जिस तरह इंडिया का और इसराइल का, यूरोपियन यूनियन का, यूके का एक ग्रुप है, उसी के पैरेलल एक इकोनॉमिक बड़ा ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश होगा। जब इकोनॉमिक टाइज जो है वो आपस में ज्यादा होती हैं तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकली जो आपकी अलायंस है वो भी उसी तरह का बन जाता है और उसमें टर्की भी शामिल है। ईरान की आपने जो बात की है तो ईरान के बारे में थोड़ा सा था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो कहाँ पे जाके ये सूरत हाल जो है ऐसी बनेगी कि जिस ग्रुप के अंदर जो है वो ईरान और पाकिस्तान मिलके काम कर सकेंगे। और तीसरी बात जो है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन है जो कि चार दहाइयों से जो है वो डिस्टर्ब है और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान जो उठाया है वो अफगानिस्तान की इस सिचुएशन में उठाया है। उसमें वहां पे जो दो जंगे हैं वो भी है, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉक्सीज जो इंडिया की वहां पे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो प्रॉब्लम रही है। कुलभूषण का जो केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और कल जो उसकी सूरत हाल हुई वो भी हमारे सामने है कि उसके सफारतकारों ने खुद ही जो है वो पीछे हट गए, उन्होंने कई बहाने किए। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड ईरान है, मेरा ख्याल है ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता खोल देगा। और सेंट्रल एशिया का जो ऑलरेडी एक ख्वाहिश है और किस तरह वो जो है वो सीपैक का हिस्सा बन सकता है, ईरान ने भी अपनी कई दफा ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे भी सीपैक में दिलचस्पी है और वो इसका पार्ट बनना चाहता है और वो इसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन चाबहार एग्रीमेंट उसमें एक रुकावट नजर आता था, पाकिस्तान के उसमें तहफुजात भी नजर आते थे, वो इंडिया के पीछे हटने की वजह से, और इंडिया यकीनन एक दूसरे अलायंस में है, इंडिया को पता था कि फ्यूचर में जो है वो इसमें काम नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट ज्यादा जो है वो चाइना अगेंस्ट है, पाकिस्तान अगेंस्ट है और इस नई फॉर्मेशन के ही अगेंस्ट है, लिहाजा इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट की नहीं है। और ये हम बड़ा खुशहाल हो गया कि ईरान और चाइना ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है। ईरान के जो है पाकिस्तान और टर्की के दरमियान तो एक माजी का भी एक मुआहदा मौजूद था जिसे हम आरसीडी कहते थे, जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान ईरान और टर्की के दरमियान जो है वो ट्रेड के एग्रीमेंट हुए थे। दोनों के दरमियान जो है वो रेल ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और ईरान और टर्की का रास्ता जो है वो भी ओपन है। इस तरह ईरान के थ्रू बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी है। मेरा ख्याल है जो इसमें सबसे बड़ी हर्डल अभी भी नजर आती है इस सिचुएशन में और आगे बढ़ने और ज्यादा पीसफुली आगे बढ़ने के लिए, वो अभी भी अफगानिस्तान की सूरत हाल है। अफगानिस्तान के अंदर जो अभी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है दोबारा से कोविड के बाद जो है वो ट्रेड ओपन की है अफगानिस्तान की इंडिया के साथ, एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको अपना वाघा बॉर्डर जो है वो ओपन कर दिया है। पाकिस्तान तो फैसिलिटेट बेतहा कर चुका है अफगानिस्तान को, रिफ्यूजीज को रखने के सूरत हाल हो या अदरवाइज कई मौके के ऊपर उसको सपोर्ट करने के हवाले से हो, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हमें काफी जो है वो समझ लें कि एक गर्म हवा जो है वो ही हमेशा आती है, वो आज से नहीं है, वो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान बनने से लेके अब तक। अब ये है कि किस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि वो इस पूरे जो नई फॉर्मेशन है उसके अंदर वो क्या अपना रोल प्ले कर सकता है, जबकि अभी वहां पे अमेरिकन आर्मीज जो है वो मौजूद हैं और वहां पे जो इंटरनल सिचुएशन है
पॉलिटिकली भी ठीक नहीं है, और अदरवाइज वहां पे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सीरिया में एक्टिव रहे हैं, जो इराक में एक्टिव रहे हैं, वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं, वो यकीनन नहीं चाहेंगे कि, और उनकी बैक पे वहां पे जो है वो वेस्टर्न फोर्सेस रही हैं, जी वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस इलाके को बेहतर किया जाए। जी मिर्जा साहब, मैं आपसे एक ज़मनी सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमेशा से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात पलटा खाते गए और हुकूमतें वहाँ तब्दील होती गई, तो उससे ज़रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में रखना पड़ता रहा, और आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ अफगानिस्तान में बढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने अपने अफसरों से ट्रेनिंग भी उनको दी, जबकि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और इंडिया ने काफ़ी मोर देन $1 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की, रोड भी बनाई और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, और उनके बड़ा करीब आने की कोशिश की, और उसका नतीजा आपने देखा होगा कि जो वहाँ के सदर हैं इस वक्त अशरफ गनी साहब, वो जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बातें करके जाते हैं, मगर जैसे ही अपनी सरजमीन पर कदम रखते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उस तरह के बयान नहीं देते जो कि यहाँ से जाते वक्त देते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो चेंज सिनेरियो है, जबकि अमेरिका और तालिबान का एग्रीमेंट भी हो गया है, और क्या आप समझते हैं कि इंडिया मज़ीद अशरफ गनी को इन्फ्लुएंस करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इन्फ्लुएंस करेगा तो राक एजेंट्स जो हैं वो फिर उसी रास्ते से पाकिस्तान में आपको पता है दाखिल होते हैं, तो इसमें पाकिस्तान को इस वक्त क्या ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि उसके जो अफ़गानिस्तान के साथ झगड़े हैं, जो उसके साथ अफ़गानिस्तान के जो तहफ़ुज़ात हैं उनको कैसे दूर किया जाए। ज़ाहिर है लड़ाई तो कोई ऑप्शन नहीं है, और उससे तो मज़ीद मामला जो है ख़राब होते हैं, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस तोड़ने के लिए और इंडिया के राज एजेंट्स जो एक्टिव हैं बलूचिस्तान में और इधर अफगानिस्तान की तरफ से जो आते हैं उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज तो ये है कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग जो है वो काफी देर से शुरू की हुई है, और अब तो काफी काम मुकम्मल हो चुका है अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन बहरहाल एक तवील जो है वो और बड़ा ही अनइवन किस्म का जो है वो बॉर्डर है। बड़ी वहां पे पहाड़ी इलाके हैं और ऐसे सहरा भी हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के मामला जो है उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, और इतनी बड़ी फोर्स लगाना, चौकियां बनाना जो है वो भी एक बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ी अहम बात है, और वो है कि वहां पे अफगानिस्तान की इकोनॉमी, आप देखें अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो तबाह हो चुकी है, और बजाहिर वहां पे कोई रोजगार ऐसा नहीं है, लोगों को जो है वो कितना अरसा कोई बैठ के कोई सपोर्ट कर सकता है, पैसे दे सकता है, और उनके जो एक बहुत बड़ा एक जखीरे थे जो खासतौर पे बागात थे वो बड़े तबाह हुए हैं 40 साल की जंग के दौरान। उनका बहुत ज्यादा फ्रूट का जो बिजनेस था वो मुतासर हुआ है, उसमें बड़ी कमी आई है। उनकी ख्वाहिश तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुल्कों के साथ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जैसे रोड स्ट्रक्चर उनका तबाह है और भी चीजें, इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किया और वहां पे उनके साथ ताल्लुकात बनाए। पाकिस्तान ने चाइना को भी आमादा किया था कि वो चाइना वहां पे जाके उनकी माइंस में इन्वेस्ट करे, और चाइना वहां पे भी गया है, अब अमेरिका भी है, दूसरी दीगर कंट्रीज भी हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आमदनियों में जो इजाफा है उसमें जो हेल्प करने का काम है, और पाकिस्तान से आपको पता है खाने पीने की कितनी शिया अफगानिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी उनको फैसिलिटेट कर, जो सेंट्रल एशिया के रास्ते हैं वो अफगानिस्तान से निकलेंगे, अफगानिस्तान भी उसी तरह की राहदारी के जो अखराजात हैं वो ज्यादा अर्निंग के तौर पर ले सकता है। और जब सी पैक एक्चुअली एक ऐसा मंसूबा है मेरा ख्याल है जो इस पूरे खित्ते की तकदीर को तब्दील करने की ताकत रखता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईरान भी, टर्की भी, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा बनता है तो ये पूरा जो खित्ता है जो जमीनी रास्ते से एक दूसरे से कनेक्टेड है
मेरा ख्याल है कि सबके लिए जो है विन विन सिचुएशन जो है वो बन सकती है। वही एक रास्ता होगा कि अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली फायदे होंगे जहां से अच्छा, ज्यादा उसके पास। वीर साहब यहाँ मैं आपसे छोटा सा सवाल करूँगा, फिर हम दूसरे सेगमेंट पे मूव करेंगे। ये जो आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट के लिए वाघा बॉर्डर जो है वो खोल दिया, उसका ऐलान किया है। और जबकि एक लिहाज से देखा जाए तो हम अपने दुश्मन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन साथ हम अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या हमें इस किस्म का जेस्चर शो करना चाहिए कि हम इंडिया को अकोमोडेट करें अंडर द कवर ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड टू अफगानिस्तान? देखें, ये दो नुक्ता नजर हैं भट्ट साहब। एक तो नुक्ता नजर ये है कि कोई काम नहीं हो सकता जब तक बुनियादी मसले हल ना हो। दूसरा नुक्ता नजर ये है कि आप अपनी रिलैक्सेशन रखें और इकोनॉमिक टाइज जो है उसको बढ़ाएं, उसके बाद जो है वो मसलों को हल करने का एक रास्ता खुलता है। इंडिया के साथ हमारा जो पिछला 50-60 साल में जो डिस्प्यूट्स थे उसके अंदर ऐसा ये नहीं हो सका कि हमने बिजनेस अगर बढ़ाया या बिजनेस के ऊपर गए, इकोनॉमिक मॉडल बनाया, लेकिन इंडिया की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होगा। और मैं तो इसमें मैं एक रिसर्च का तालिब इल्म हूँ, इंडिया के साथ आप जितनी मर्जी बिजनेस टाइज बना लें लेकिन इंडिया जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो है इन बुनियादों पे हल नहीं करेगा। इंडिया अपनी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। सिर्फ आपके लिए एक ही रास्ता है कि आपको अफगानिस्तान को साथ लेके चलना है, अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करना है। उसकी आड़ में अगर इंडिया का फायदा हो रहा है तो वो हम क्या कर सकते हैं, वो बाई डिफॉल्ट हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को आप तनहा नहीं छोड़ सकते, अफगानिस्तान आपके लिए जो है वो ज्यादा अहम है इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी जो मॉडल लिया गया है इसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इसमें हमें अफगानिस्तान को तरफ देखना चाहिए कि हमने उसको फैसिलिटेट करना है। अगर उसकी आड़ में इंडिया का फायदा हो रहा है तो उसको हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड हमारी उस वक्त ही इफेक्टिव होगी और जब वो हमारे बुनियादी मसले हल करने की तरफ बात करेगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। जी मीर साहब, आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया। अभी इत्तेफाक से वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह ब्रेक पे आने के बाद यहाँ से सिलसिला जहाँ से तोड़ा यहीं से हम जोड़ेंगे। सो लेट्स हैव ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मुबशर मीर साहब से बात हो रही थी ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, इंडिया को जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि हम इनफैक्ट अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि उसमें अगर इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वी आर फोकसिंग आवर आइज ऑन अफगानिस्तान ताकि उनको हेल्प की जाए। मीर साहब, आपने देखा होगा कि क्वेटा के अंदर यक के बाद दीगरे काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दों ने जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमला करते हैं वक्फे वक्फे से। अभी दो दिन पहले भी ऐसा वाक़या हुआ जिसमें हमारे 3 फौजी शहीद हुए, 8 जख्मी हुए। तो आप नहीं समझते कि जिस तरह से हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान साउथ वज़ीरिस्तान से दहशतगर्दों का सफाया किया है और मुल्क में अमन कायम किया है, तो आप नहीं समझते कि हमें कोई इस तरह का ऑपरेशन प्लान करना चाहिए बलूचिस्तान में भी, ताकि हमेशा के लिए ये जो सिलसिला ख़त्म हो जाए और जो जवानों की और अफसरों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं और बेगुनाह लोग जो मारे जाते हैं वो सिलसिला रुक सके? आप कैसे देखते हैं इसको? जी भट्ट साहब, बहुत बिल्कुल सही बात आपने की है कि हम कई सालों से ये देख रहे हैं कि क्वेटा जो इतना बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा शहर है और तकरीबन बहुत बड़ा एरिया उसका जो है वो तो कंटोनमेंट का ही एरिया है, फिर उसके बाद जो है वो उसको अभी तक कंट्रोल हम क्यों नहीं कर सके। और नहीं, लेकिन मीर साहब, एरिया के लिहाज से तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है आबादी के लिहाज से। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ क्वेटा शहर की जो कैजुअलिटीज हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखें,
कोयटा शहर के हाँ अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो वो बहुत ज्यादा ज्यादा हुए। तादाद में है। हमें अब देखें दो तीन शहर हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर नहीं है लेकिन वहां पे बड़े वाकयात हुए हैं, जैसे एक पारा चनार है, डेरा इस्माइल खां है और क्वेटा भी है, ठीक है। जी और जी लेकिन ओवरऑल बलोचिस्तान का तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको गवर्न करने में भी काफी जो है वो मुश्किलात होती हैं और अच्छा खासा जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आबादी से होती हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि जो शहर की अगर सूरत हाल देखें हम क्वेटा की, तो उसको जो है यकीनन एक ऑपरेशन की इस लेवल की जरूरत है कि जो उसके मजाफात के अंदर एक सूरत हाल है जहां से लोग आके जो है वो अटैक करते हैं और फिर वापस ऐसी जगहों पे चले जाते हैं और वहां पे काफी जो है जब कोई वाकया होता है उसके बाद तो उनको परस्यू किया जाता है और उनको मेरा हाल तआकुब करके कई लोगों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया है। लेकिन मुस्तकिल एक इसका हल जो है वो निकालने की जरूरत है क्योंकि अब बड़ा सेंसिटिव इलाका है और बलूचिस्तान हमारे लिए आइंदा के हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के हवाले से सी पैक और ग्वादर पोर्ट जो है वो उसकी वजह से भी वहां पे पाकिस्तान मुखालफ कुवतें जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी साथ लगता है, वहां से भी हमारे लिए जो है वो सूरत हाल जो है वो हमारी फेवर में नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल में वहां पे ज्यादा जो है वो तवज्जो करने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक नेक्स्ट प्लान जो है वो बलूचिस्तान से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान जो है उसकी डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी वहां पे उसी सूरत में यहाँ पे पीस कीपिंग जो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो अगर ज्यादा अच्छे तरीके से चलेंगी तो मेरा ख्याल है रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आएंगे। जी बिल्कुल मिस्टर, कि आपने देखा होगा कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मखसूस लोग जो हैं इस मसले को बड़ा उछालते हैं, जबकि इसमें ऐसी बड़ी हकीकत नहीं है जिसका कि वो तذکرہ करते रहते हैं। यकीनन कुछ लोग जो हैं वो मिस होंगे उनके, लेकिन ये है कि आपने देखा होगा उनमें से कई लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं दहशतगर्दी करते हुए। तो ये जो मतलब है कि एक इसका बहाना बनाकर मिसिंग पर्सन्स का सिक्योरिटी फोर्सेस को जो बदनाम करने का सिलसिला है, आप नहीं समझते हैं कि इसको अब बंद हो जाना चाहिए? ये काफ़ी बड़ा तमाशा हो चुका है इसके हवाले से, और देखिए हुकूमत इस तरह से बट साहब ये जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश तो है कि ये बंद हो जाए, लेकिन जाहिर है कि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपके मुखालिफ कुवतें जो हैं वो भी उसी शद्दोमद के साथ जो हैं वो बाहर निकलती हैं। आपने देखा कि कराची के अंदर भी दो तीन वाकयात हुए माजी में, जो हमने एक साल पहले देखा कि चाइना कौंसुलेट को जो है वो निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी यही सूरत हाल है। अभी फिर स्टॉक अभी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया और बलूचिस्तान के अंदर जो इस तरह के कार्रवाइयां हुई हैं गुज़श्ता 8 से 10 साल में वो काफी ज्यादा हैं। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तो आपको जो है ना ऑपरेशन से करना पड़ेगा और कुछ चीजें हैं जिनको आप पॉलिटिकली हल करना पड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल इसके सोल्यूशन हैं उनकी तरफ भी जाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं, जिनके साथ आप कोई अमन की सूरत हाल जो है वो गुफ्तगू के साथ जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो मौजूद तो है बलूचिस्तान के अंदर भी, जब वहां पे सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है, सियासी पार्टियों के साथ जो है वो भी इंट्रैक्शन है, हुकूमत का भी है, कुछ पार्टियां जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है। तो अगर पॉलिटिकल जो है जो लोग बात करना चाहते हैं जो रियासत के साथ जो है वो वेपन के साथ नहीं बल्कि अपने आर्गुमेंट के साथ बात करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। ये और बिल्कुल आप अगर हम बिल्कुल अपने बाहर के दुश्मनों के साथ जो है वो कभी कभी निगोशिएशन करना शुरू करते हैं तो जो अंदर लोग नाराज हैं उनको दुश्मन ना, तो सब अगर कोई दुश्मनी वाली बात नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ राइट्स की बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके साथ बात होनी चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही सही इशारा किया इसका। अब हम आते हैं उसकी तरफ। ये जो के इलेक्ट्रिक का आपने देखा होगा कराची में 18 18 घंटे 20 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और ख़ास तौर पर जो मलिर लांडी कुरंगी एरियाज हैं जहाँ पे के बहुत ही गरीब आबादी रह रही है, अगर वहाँ 18 18 घंटे लाइट जाए
जाएगी, और फिर वो भी इतनी महंगी लाइट जाएगी, तो उससे मतलब ये है कि ज़िंदगी अजहरन हुई हुई है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज़ होते हैं, घर में बीमार होते हैं, फिर उसके बाद अगर बिजली नहीं होती तो पानी नहीं आता, जब पानी नहीं होता तो फिर और क्राइसिस डेवलप होते हैं। तो ये मतलब पिछला ये जो प्रॉब्लम है ये पास 70 ईयर्स में हम देख रहे हैं, हम यहीं रह रहे हैं कराची के अंदर ही, मगर ये है कि ये मसला अभी तक को हल नहीं हुआ। हम एक दूसरे को ब्लेम तो करते हैं लेकिन बात यह है कि मसले के को हल को कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको कौन हल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया है कि जी अभी ये जो के इलेक्ट्रिक को नेपरा ने इजाज़त दी थी रेट बढ़ाने की, उसको टेम्पररीली मौखर कर दिया गया है, और पहले ही जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आते हैं कि अजाब बना हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं, आप क्या आपके पास सजेशन है कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, क्या तकरीरों से रिलीफ मिल सकता है? जी बट साहब, एक चीज तो हमारे सामने आ चुकी है, वो है कि जो के इलेक्ट्रिक के मैक्सिमम शेयर्स हैं मोर देन 66%, उसके लिए शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो मैदान में उतर चुकी है, और उसके उसने अपने मैनेजर्स जो हैं उनका भी तकरर कर दिया है, और वो शेयर्स खरीदने का अमल जो है वो आइंदा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि के इलेक्ट्रिक का जो टेक ओवर है वो शंघाई इलेक्ट्रिक जो है आइंदा आने वाले महीनों में ले लेगी। उससे पहले जो सूरत हाल है वो यकीनन गर्मियों के अंदर जो लोड शेडिंग हमें नजर आ रही है उसकी वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक के जो अभी मौजूदा इंतजामिया है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उन्होंने वो नहीं की, उनके अपने कुछ इशूज हैं, और उन्हें जो बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से लेनी होती है वो भी वो नहीं ले पा रहे थे, और मेरा ख्याल है उसकी वजह वो जो मुआहदे होते हैं कि आपको कितना पैसा जो है उसकी मद में देना है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे जो प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो जनरेशन है हमारी वो महंगी है, और अवाम को जो बिजली देनी है वो सब्सिडाइज करके देनी है, और आवाम की इतनी सख्त नहीं है कि जो वायदे किए गए हैं आईपीपीस के, और जितनी महंगी बिजली जो है वो हुकूमत खरीदती है और लंबे मुआहदे हैं 30-30 साल के मुआहदे हैं वो पाकिस्तान के मॉडल के हिसाब से बिल्कुल समझ लें कि गलत एग्रीमेंट्स हैं कि इतनी महंगी बिजली हम पैदा करवा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। हमने बिजली तो हमारे यहाँ पैदा करने की सलाहियत बढ़ गई है लेकिन उसको खरीदने की इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम में नहीं है। अगर हुकूमत ने उसमें सपोर्ट करना है पब्लिक को तो उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, और हुकूमत के खजाने में इतना पैसा जमा नहीं हो रहा कि वो उसको सब्सिडाइज कर सके जो उस लेवल पे। लिहाजा हमने अपनी जो एनर्जी पॉलिसी थी और एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी वो हमने खुद खराब की है, और वो हम ब्लेम बेशक करें जो भी हुकूमतें थी जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, लेकिन बॉटम लाइन तो बट सब यही है कि आपने एक सौदा महंगा खरीदना शुरू किया हुआ है जो आपकी ना इंडस्ट्री को चला पाता है, ना कमर्शियल एक्टिविटीज को चलाता है, ना आपकी डोमेस्टिकली आप उसको कर सकते हैं। तो वो समझ लें कि हमारे हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी हुई है। जी, मीर साहब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि बिजली जो है हमने महंगी दामों खरीदी है और सब्सिडाइज करके हम आवाम को दे रहे हैं, और वो भी ऐसी सब्सिडाइज है कि वो भी बहुत महंगी है, यानी कि आम आदमी की रीच से बाहर है। आपने देखा होगा कि उदयर बलोच जो हैं अल्लाह अल्लाह करके उसकी जो JIT है वो वेबसाइट पर आई और हुकूमत सिंध ने उसको बार किया, और अब तीन किस्म की JITs आई आपके सामने। एक अली जैदी साहब ने पेश की जिसके ऊपर 4 दस्तखत हैं, एक सिंध गवर्नमेंट ने पेश की जिसके ऊपर 8 दस्तखत हैं, और सारा इसमें कंफ्यूजन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। तो क्या मतलब यह है कि जो 8 मेंबर थे उसमें FIA के भी लोग थे, ISI के भी लोग थे, MI के भी लोग थे, उनमें क्यों नहीं कोई आ गया सामने कि जी ये असल में इसके इतने पेजेस थे और ये इसकी सूरत हाल है असल में। और ये JIT के बहाने से आप देखें कि सब आपस में हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट अली जैदी रूबरवा हैं उसके, वो अपने स्टांस पे हैं, वो ये कहते हैं कि जी मेरे घर पे कोई बंदा आया था तो वो
लिफाफा चला गया थे कि JITs का के गुड लक, मतलब इस तरह से नहीं होता है। मतलब ये वो जे आई इसका मतलब है कि किसी ने तो उनको लिफाफा दिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो लिफाफा सही था या गलत था, दैट इज़ इन मटेरियल। आप नहीं समझते कि सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि वो लिफाफा वहाँ कैसे पहुँचा और किसने दिया, तो ज़ाहिर है उन 8 मेंबरों में से किसी ने दिया होगा। बट साहब मेरा ख्याल है कि ये भी इररिलेवेंट हो गई है बात। असल जो चीज है पाकिस्तान की सियासत में, जो उजैर बलोच के केस में और ऐसे ही कई और केसेस में हमारे सामने आ गई, वो है सियासत का जुर्म के साथ एक ऐसा रिश्ता जिसने दोनों बेनिफिशरी हैं, जुर्म जुराइम की दुनिया के लोग और सियासतदान। बिल्कुल। और असल प्रॉब्लम हमारा ये है कि जुर्म और सियासत यहाँ मिलके चल रहा है। अभी आप मुझे ये बताएं कि उजैर बलोच का आप प्रोफाइल देखें, जो मैंने लिखा भी है इसके ऊपर, कि वो 1997 में पैदा हुआ है और सन 2000 के बाद वो हेल्प ऑफ अफेयर्स में शामिल हो गया। 20, 22, 24 साल का नौजवान जो है वो मुल्क के आला तरीन क्यादत के साथ बैठ के वो क्राइम की जो है वो पूरी दास्ताने जो है वो रकम करना शुरू हो गया, और कराची जैसे शहर के अंदर वो एक बादशाह तसव्वुर किया जाने लगा। और जब उसको पकड़ा गया तो फिर उसको सियासी लोगों ने ही छुड़वाया, फिर उसको यहाँ पीपल अमंस कमेटी का चेयरमैन बना के उसको सरदार बना दिया। आप मुझे ये बताएं, क्या ये दुनिया के किसी ऐसे मुआशरे के अंदर जुराइम पेशा लोग इस लेवल पे हुकूमतों के साथ बैठ के बात करते हैं क्या? असल बात ये है, JIT तो आप समझ ले के एक नथिंग है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आपके किसी भी कोर्ट में जाके उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो असल जो बात है कि ये जो सियासतदान जुराइम पेशा लोग, ये सिर्फ कराची की स्टोरी नहीं है, पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो जुराइम पेशा साथ लोगों के साथ मिलके माल बनाते हैं, उन्हीं के ही तवस्सुल से, व्हाट्सएप मुझे कंप्लीट कर लेने दें, उन्हीं के तवस्सुल से इलेक्शन जीतते हैं। ये जमहूरियत की, ये जमहूरियत की हम बदतरीन शक्ल के साथ जो है वो हुकूमतें बना रहे हैं। तो ये जुर्म और सियासत का जो रिश्ता है, असल में इसको टारगेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं छोटा सा जमनी सवाल, क्योंकि अब टाइम बड़ा खत्म हो रहा है। इसने एडमिट किया कि मैंने 198 आदमी मारे हैं, ठीक है जी, आपने भी देखा होगा, हो सकता है ज्यादा ही हूँ, लेकिन उसने एडमिट किया है। और दूसरी तरफ 250 आदमी जिंदा जला दिए गए, किस केस में ज्यादा वजन है सर? मैं कहता हूं यहाँ पे बहुत सी अभी बड़ी चीजें हैं अगेन जो अनटैप्ड है। मुझे आप बताएं 12 मई को कराची में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, यहाँ पे अन्नदाता बने हुए थे डॉक्टर इशरत उल अहबाज साहब जब गवर्नर सिंध थे, सारा उन्हीं के सुपरविजन में चीजें हो रही होती थी। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर के कत्ल की शाम को कराची में क्या खेला गया, क्या पूरे सिंध में खेल खेला गया, तो आज तक किसी ने इस चीज को तो पूछा ही नहीं कि भाई उस रात को क्या हुआ था। तो यहाँ पे तो इसी तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है उसी तरह की दास्तानें हमारे सामने आ रही हैं और ये आती रही है। सही जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया वजमीर साहब, काश हमारे पास और वक्त होता तो हम चलते। तो जैसा कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की है, और कोरोना के हवाले से उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत ने प्रिकॉशंस ली हैं और लेंगे, लेकिन कोऑपरेशन आवाम को भी करना है ताकि वो जो SOPs दी होती हैं उसके ऊपर अमल करें, ताकि कम से कम केसेस ख़त्म हो और कोरोना वायरस से हमारी जान छूटे। और ये जो नई डेवलपमेंट हुई है ईरान और चाइना की, ये उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इससे CPEC जो है वो और मज़बूत होकर उभरेगा और नई दो पोर्ट मिल जाएंगी एरिए को, एक ग्वादर की मिल जाएगी, एक चाबहार की मिल जाएगी, और इससे ये है कि जो मसला है चीन का, जो उसका ऑयल वगैरह जाता है वो उसका आसानी से इधर से चला जाएगा।
क्वेटा के हवाले से उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि जहां ऑपरेशन की ज़रूरत है वहां ज़रूर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन जहां पर सियासी इख्तलाफात हैं वहां पे बातचीत के भी दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए और उनसे बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है और कोशिश भी यही होनी चाहिए, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बच्चे ज़रा ज़्यादा शरारती हो जाएँ, तो उनके ऊपर ज़रा सख्ती ज़रूरी करना है। लेकिन जो मामला क्वेटा शहर के अंदर हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि उसके लिए एक मुनज़म ऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि वंस फॉर ऑल जो वहाँ का ये नासूर है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उन इलाकों में जो कैजुअल्टीज हैं वो बहुत हैवी होती हैं, इक्का दुक्का नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शहीद होते हैं। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक बड़ी अच्छी खबर दी है, हमने भी अखबार में पढ़ा था कि चाइना इसको टेक ओवर कर रहा है, शंघाई जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो ग्रेजुअली इसको टेक ओवर कर लेगी, बट इट विल टेक सम टाइम बिफोर थिंग्स गेट इन ऑर्डर। लेकिन अभी भी इसका जो टेम्प्ररी रिलीफ भी आवाम को मिलना चाहिए इन द शेप ऑफ डिस्काउंट और रेट कम होना चाहिए, और ये जो लॉन्ग आवर्स लोड शेडिंग है इससे ज़रा लोगों को निजात मिलना ज़रूरी है। उज़ैर बलोच के हवाले से उन्होंने कहा JIT इज़ ए मटेरियल, बिल्कुल मैं भी बात से इत्तफाक करता हूँ। असल में जो क्राइम और सियासत का गठजोड़ है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये नेक्सस ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें कोई आपको अच्छा पहलू नज़र नहीं आएगा। आप अगर जुर्म करने वालों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उनको VVIP प्रोटोकॉल देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, तो उससे फिर बात नहीं बनेगी, उससे फिर आपका जो लॉ है वो जो कमज़ोर पड़ता है, तो जब लॉ कमज़ोर पड़ता है तो फिर हर एक आदमी फ्री होता है टू प्ले अबाउट। उससे इंडिविजुअल को नुकसान नहीं होता, किसी सियासी जमात को नहीं नुकसान होता, बल्कि ओवरऑल एक मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो हमें सबको मिलकर ये बुराइयों की जो जड़ है इसको ख़त्म करना चाहिए और अपना जो एक पॉजिटिव रोल है वो करना चाहिए। हुकूमत इस कोशिश में लगी हुई है कि ये जो एक नया पाकिस्तान तामीर करें, आज तो एक जर्नी बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि रेजिस्टेंस बहुत है। जब भी कोई आप चेंज लाते हैं उसमें रेजिस्टेंस बड़ा होता है, और मैं लाऊं या आप लाएं, कोई भी लाएं, तो लेकिन ये है कि उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अपनी टीम से ज़्यादा खुश नहीं है। उनका ये कहना कि माई वे आर हाई वे, ये जाहिर करता है कि हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज़। तो लेट्स होप वी ऑल शुड एक्सटेंड हैंड ऑफ कोऑपरेशन टू प्राइम मिनिस्टर एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू ब्रिंग पीस इन द कंट्री। मीर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया।